खानों में खान इमरान खान के बारे में चंद मुस्बत खबरें आई हैं जो तमाम पाकिस्तानियों को खुशी देंगी और उन सबको ये सुननी भी चाहिए। सबसे पहली बात, सबसे पहली खबर ये है कि इमरान खान साहब ने दाढ़ी रख ली है जेल के अंदर और वो एक इंच से ज्यादा हो गई है, ये बताया है शुएब शाही ने। और वो बता रहे हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम खान साहब वैसे ही लग रहे हैं जैसे आर्टिफिशियल तस्वीरें वायरल है खान साहब की दाढ़ी के अंदर, उससे भी जरा ज्यादा प्यारे लग रहे हैं दाढ़ी रखकर। और दूसरी खबर जो अहम खबर है कि हलीमा खान को, इमरान खान की बहनों को जेल मिल गई है, जमानत हो गई है उनकी। और तीसरी सबसे अच्छी खबर यह है कि इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम को भी रिहा कर दिया गया है, लेकिन कंफर्म अभी नहीं किया, रिहा कर दिया गया है, वो अपने घर भी पहुंच गई हैं, लेकिन खबर को अभी कंफर्म नहीं किया गया है ताकि कोई थोड़े से मसाइल है उसमें इमरान खान साहब को भी वो जल्द रिहा करने वाले है। कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं बताने जा रहे और नहीं बताया जा रहा, क्यों? इसलिए क्योंकि खबरें इसलिए भी मुखफी रखनी है क्योंकि बहुत से लोग अब भागने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान से, तो उनको भागने नहीं देना है, उनको छुपने नहीं देना है। बहुत सी चीजें चेंज होने जा रही हैं, बहुत सी चीजें मुस्बत होने जा रही हैं, बहुत से लोग पिघल चुके हैं और मान चुके हैं कि एक इस्लामी हीरो सामने आने वाला है और इस्लाम को दोबारा बुलंद करने वाला है। इंशाल्लाह आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह सब साथ देंगे, आप सब मिलकर साथ देंगे तो इंशाल्लाह जरूर इमरान खान साहब इस्लामी हीरो बनेंगे और बाहर निकलकर दोबारा इकतदार संभालेंगे और आप देखेंगे कि खिलाफत आपको वापस आती हुई नजर आएगी और इसमें बहुत से मुल्क भी शामिल हैं जो मुखफी हैं। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा आपको, बेशक मेरी खबरें है कि ये छोड़ी हुई फेंकी हुई बात लगे लेकिन जल्द ही आपको बहुत सी चीजों का पता चल जाएगा। शुक्रिया तमाम दोस्तों।